चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती खमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है मौसम सारा, तपता सा है हर नजारा, चुभती जलती की पगली हम पे क्रश हो गई। ये लड़कों की लाइफ भी ना कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल है। अभी इतने मेहनत से सो रहा था, अभी उठ के खेलने जाना पड़ेगा। मम्मी गेंदे मैं ही उतरी मम्मी। ओ, मैंने सोचा चुड़ैल। अबे केस तू इधर। पिछले एक घंटे से मैं यहीं खड़ा हूँ। अबे एक घंटे से खड़ा तो स्कूल में क्यों नहीं गया? तुम ही लोगों ने तो कहा था एक साथ जाएंगे। भाई ये तो अलग ही सस्ते नशे में डूबा है। पर अभी तो स्कूल का गेट भी बंद हो गया होगा, अब हम क्या करें? हम कौन सा डेली गेट से स्कूल जाते। आज फिर से लेट। तुम लोग में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? अगर होती तो थोड़ी डेली स्कूल। Just do a one favor to me. तुम लोग सर घड़ी पे देख के बताओ कि तुम लोग कितने टाइम पे लेट आए हो। क्या सर, हम तो टाइम पे ही आए। लेट नहीं आए हो। You are 15 minutes late. सर अगर आपको घड़ी देखना आता है तो हमसे क्यों पूछा? गुड गुड, ऐसे ही करते रहो। फिर देखना एक दिन तुम्हारे सारे दोस्त गाड़ियों में घूम रहे होंगे और तुम अपनी उसी साइकिल पे। सर वो साइकिल नहीं सुंदरी। हाँ, उसी सुंदरी के साथ। सर हम 15 मिनट ही तो लेट आया है। जो 15 मिनट पहले आया वो कौन से एरोप्लेन में घूम रहे हैं? गोलू किधर खो गया? गोलू का शायद आज मूड खराब है। क्या गोलू, सच्चे में तेरा मूड खराब है? मेरा मूड, जिंदगी, किस्मत, टाइम, फोन का चार्जर, हेडफोन का वायर सब खराब है। भाई तू तो अपना शक्ल भूल ही गया। अबे गोलू, गोलू अबे उठ जा बे, जल्दी आ। वैसे ही देर हो चुका है, जल्दी आवे, स्कूल जाना है। भाई डर गया, भाई डर गया। कोई डरा वरा नहीं हूँ, इतना देर क्या कर रहा था? भाई मन्नत मांग रहा था तेरे लिए। मेरे तेरे मन्नत मांग। चुप। ओवर एक्टिंग, वो सब छोड़। पहले ये बता तूने ये क्या पहना है? भाई नया ड्रेस है, जेलसी हो रही है ना? अबे साले पैंट तो पहन ले। ठीक है चल, अभी जल्दी चल, स्कूल देर हो रहा है। भाई क्या? भाई खाना बन चुका है, भाई खा के जाते हैं। मार खाएगा? खा खा के मोटा हो चुका है, घर के राशन खत्म हो रही है, पर तेरी डिमांड खत्म नहीं हो रही। एक दो ठीक है, पर दस दस रोटी खाता है, दस दस, इतना तो भालू भी नहीं खाता। भाई ओके ओके, रुलाओगे क्या? मम्मी आज 10 रोटी नहीं 9 रोटी निकालो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे भाई गुस्सा क्यों होता है, नहीं खाऊंगा। मम्मी मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। वैसे भी वो सरेली भिंडी बनाई होगी, रोज रोज कौन खाएगा? अरे मां कुछ नहीं। अरे यश बेटा तुम कब आए? अरे आंटी अभी अभी। अरे आलू पनीर बनाया, कहूँ तो निकाल दूँ? अरे नहीं आंटी नहीं, और एक बार कहोगे तो हाँ निकल जाएगी। अरे खाना निकाला ही हुआ है तो। प्रीति ने क्या किया है? क्या किया क्या नहीं किया है? बच्चों को नाले में फेंकना, मैडम के बालों में च्युइंगम लगाना, एंड उस दिन तो क्लास के सबसे गैंगस्टर बच्चों को दोस्तों के सामने ही थप्पड़ लगाना। क्या अब तुमने क्या सच्ची में किया है? नहीं भैया, ये दीदी झूठ बोल रही है। प्रीति। हाँ मैंने किया है। इतने दिन मैं सोच रहा था तू तो कूड़े वाली की बेटी है, पर तू तो मेरी मैना निकली। फाइनली पूजा आ गया। किधर किधर? अबे मैं दुर्गा पूजा की बात कर रहा हूँ। दुर्गा और पूजा दोनों ही आए हैं। भाई मैं थोड़ी देर चुप ही रह लेता हूँ। अरे चल सारे मिलके चंदा लेने जाते हैं, क्या कहता है? भाई पापा नहीं मानेंगे। अबे मर्डर कर रहे हैं कि पापा नहीं मानेंगे, चंदा ही तो लेने जा रहे हैं। मेरे पापा की बात कौन कर रहा है? अरे चंदा के बाप के सामने उसे उठाओगे, उसका बाप कुछ नहीं कहेगा।
अबे चंदा मतलब पूजा वाला चंदा। ओ पूजा की बहन चंदा, हाँ उसे उठा सकते हो, वो हल्का है। कौन है, कहाँ से आते हैं? अबे आंटी किधर खो गए, जल्दी पैसे दो ना। किधर लिखा हुआ है? अरे नीचे नीचे। इधर तो पिन नंबर है, पैसे किधर है? वही पैसे है। क्या 9,999? अरे अरे गलती होगी, वापस दो। मात्र लिखना भूल गया था। ये लो 5 रुपए। क्या आंटी हार्ट अटैक दोगे क्या? तुम लोगों ने तो इसे एक धंधा बना के रखा है, सिर्फ चंदा। सरस्वती पूजा के पहले सरस्वती पूजा का चंदा, काली पूजा के पहले काली पूजा का चंदा। कितना पूजा करना होता है? ये पूजा है क्या पार्टी? कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? हमारे घर में भी पूजा है, तुम लोग पैसे दे सकते हो? ऐसे तो हम भी सिंगल है, आपके अपने बेटी का नंबर हमें दे सकते हो? क्या बोलो, गोलगप्पे अकेले चल रहे? अरे भाई तुम लोग को बताने वाला था, तुम लोग खाओगे? नेकी और पूछ। भाई मैंने कहा तुम लोग खाओगे, नेकी और पूछ क्या करेंगे? अरे हाँ खाऊंगा भैया, इन सबको एक चाट लगा दो। ओए गोलू, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? भाई दुर्गा पूजा के चंदे के पैसे से ही तो खा रहे हो। क्या चंदे के पैसे? अबे गोलू तू पागल हो चुका है क्या? अंकल सबके चाट ले लो, एंड सबको पानी पूरी दो। अब कुछ खाना है तो कुछ अच्छा ही खा। ये तू क्या कह रहा है, भगवान के पैसे पाप देगा? आजकल के बच्चे भी ना, तुम्हारे जमाने के जब हम थे ना, 1 रुपए भी टच नहीं करते थे तो चंदा कैसे लेते थे? मतलब 1 रुपए भी नहीं खाते थे। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही हवे में उड़ रहे हैं। अंकल पहले ये बताओ, ये चंदा कौन लेने जा रहा है? तुम लोग किसके लिए? दुर्गा माँ। तो दुर्गा जी हमारे क्या हुए जी? तुम्हारे माँ हुए। हाँ तो माँ का पैसा बेटा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? आओ अंजलि देनी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। माँ दुर्गा रघो मने उल्लासे आलिंगने महामारी मुझे जाबे आज। ओए यस, थोड़ी सी तो ख्याल रख ले, पीछे अगर सीनियर होंगे तो क्या कहेंगे? क्या वो वाले सीनियर? ओके लक्चे। ओए केस, थोड़ा तेरा AK-47 दे तो मुझे। इससे क्या होता है? पता नहीं यार, सीनियर्स लोग ने कहा है इससे बंदिया सेट होती है। पर सीनियर्स लोग तो खुद ही सिंगल है। अरे कम फुल डाल रहा हूँ ना, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। अबे यश, गोलू दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाली तो मेरी होगी पक्का, अब मैं सिंगल नहीं मरूंगा। भाई कहाँ खो गए? ओ हाँ, चल मार्केट जाना है, दिए भी लेना है। यार ये दिया कहाँ मिलेगा? दिया तो अपने घर में मिलेगा। गोलू ऐसा वाहियात मजाक अगर फिर से किया ना तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। वो भी केमिकल डाल के। सॉरी भाई। अब भाई जरा उधर देखना। गोलू टॉपिक मत चेंज कर। अरे भाई सच में उधर एक बार देख तो सही। क्या है उधर? यार कितना ऑसम है। हाँ भाई एकदम फुलझड़ी। फुलझड़ी नहीं बे, पटाखा। चल दोनों यार खरीद लेते हैं। क्या? अरे दीदी आप क्यों भड़क गए? साइड हटो ना, मुझे पटाखे खरीदना है। अबे यार दिवाली में कौन पढ़ाता है? जब सर थे तब बोल नहीं पाया। अरे यार तू तो जानता है मेरी बात सर मानने की नहीं, तू तो सबका काटता फिरता है, जाके तू मना लेना। क्या बच्चों क्या गोल खिला रहे हो? लो जल्लाद का नाम लिया, जल्लाद हाजिर। क्या? अरे कुछ नहीं। तो हाँ पढ़ाई नहीं की है, चलो थोड़ी सी सवाल जवाब हो जाए। पर सर से मैं कुछ नहीं सुनने वाला। यस तुम बताओ, कबूतर से एक वाक्य बनाओ। मदिरा सेवन के बाद अगर नींबू चाटो तो नशा कब उतर जाता है पता ही नहीं चलता। आग लगा दी। ठीक है गोलू, दिवाली के बारे में 2-3 वाक्य बताओ। दिवाली दिए और खुशियों का त्योहार है। वाह गोलू बड़ा स्मार्ट हो रहा है। इसीलिए इस दिवाली ना बम फोड़े ना फोड़ने दे, क्योंकि इससे बहुत पोल्यूशन होता है, इससे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन होता है। वाह गोलू मेरी मुंह की बात तूने छीन ली। हाँ ऐसे जो भी बोलते हैं उनके चेयर के नीचे बम डाल के उड़ा दो साले को, जीने का कोई हक नहीं है। दिवाली में नहीं बम फोड़ेंगे क्या, हैप्पी बर्थडे में बम फोड़ेंगे? क्या भाई, अगर खाना है तो मम्मी से मांग लो, मेरे खाने पे क्यों नजर डाल रहे हो? गोलू तू
पागल वागल है क्या? खड़े खड़े होके कौन खाता है? अरे यार, घर वालों ने कहा मैं कितने दिन घर में और बैठ बैठ के पैसे बर्बाद करता रहूँ, घर में बैठ बैठ के खाता रहूँ, इसलिए खड़े होके खा रहा हूँ। अरे तेरे घर वाले ये नहीं कहना चाहते? हाँ, तू अब सोकर भी खा सकता है, यही तेरे घर वाले कहना चाहते। अब मैं रोल नंबर काउंट करूंगा और जिसका छूटा मैं उसका दोबारा नहीं करूंगा, तो ध्यान से सुनना। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। अरे यार, यश गोलू किधर रह गई? आज ये दोनों का लास्ट वार्निंग था, आज तो इन दोनों को कैसे भी पकड़ा के छोड़ूंगा, मेरी बराबरी करेंगे। रोल नंबर 98, रोल नंबर 99, रोल नंबर 99। रोल नंबर 99 प्रेजेंट सर। ए, तुम क्यों खड़े हो? अरे सर, उसे कुछ मत कहिए, एडन मेरा बेटा ही तो है। एक थप्पड़ मारूंगा, अपनी सीट पे बैठो। रोल नंबर 99, रोल नंबर 100, रोल नंबर 100। भाई उठ, रोल नंबर 100 यार, तेरा रोल प्ले, जल्दी उठ। रोल नंबर 100। सर सर, ये सो रहा है हमारे क्लास के बीच में। क्या? हाँ सर, देखो उधर पीछे बैठ के सो रहा है। अरे अरे सर, कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है इसे, इसलिए इसका सिर टेबल पे है। अरे भाई अभी उठ जाएगा सर, एक मिनट एक मिनट। सर, हमारे क्लास में आपके क्लास में सो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है क्या? सर क्या रिस्पेक्ट बची है आपकी। यस, प्रेजेंट सर। जब तुम्हारे एज के थे, हम हर असाइनमेंट देते थे, हर क्लास अटेंड करते थे, हमें एवरी एग्जाम में 100 में से 100 आते थे, 100। हाँ मैम, हम बहुत किस्मत वाले, आपको अच्छे टीचर मिले, आपकी तरह हमारा किस्मत कहाँ। हाँ वो तो। तू भी इनके साथ, पहले तुम लोग बताओ तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक सुंदर लड़की देखी नहीं कि आगे मुंह उठा के छिछोरे की तरह। जुबान संभाल के, इसको सुंदर लड़की मत कहो। क्या तुम तीनों एक साथ कैसे? सर मेरा ट्यूशन में लेट हो गया है, इसलिए मैं लेट से आई। ओ, लेकिन मुझे तुम तीनों को देख के मस्त एग्जांपल याद आ रहा है। क्या सर, एक नादान लड़के के सामने एक हैंडसम बॉय ना। मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा, मेरा इंट्रोडक्शन ना। एक खूबसूरत फूल के सामने भिंगराती दो मधुमक्खी, और सामने वही मधु खाने वाला एक मोटा भाई। ओए, ये किसने कहा? ओए, किसने कहा रे? ओए सामने जा, नहीं तो मार खा जाएगा। हाँ ठीक है। अब बेटा तुम ना स्कूल में आने से पहले कुछ बात याद रखना, दरअसल यहाँ पे कुछ लफंगे लड़के भी रहते हैं। सर खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और बेटी तुमने अपना नाम क्या बताया? अपर्णा। अब उनका नाम है लेलिया। अरे एमसी गोलू, तुम लोगों से किसने पूछा? हाँ बेटी, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रीम। भाई सर ने क्या बोला, इसका मतलब क्या है? तुमने कल रात कौन सा सपना देखा? यार थरकी सर है, लड़की के सपना जान के क्या करेगा, छोड़ ना मेरा क्या। सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। खरो सुई लगाने वाली। भाई इतना पढ़ाई लिखाई करके इसको 10-15 हजार का घिसा पिटा सरकारी नौकरी करना है। आपको तो पता ही है उनका मंथली 1 से 1.5 लाख का पैकेज रहता है। सर आपने तो कभी हमारे सपने के बारे में नहीं पूछा। तो तुम दोनों का भी सपना है, ठीक है? तो बताओ मुझे, तुम दोनों बड़े होके क्या बनना चाहते हो? इसका पति 1 लाख कमाता है भाई। क्या कहा, तुम लोग भी किताब में आना चाहते हो? हाँ सर। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ पेपर में तुम लोग जरूर आ सकते हो। सच्ची में सर? स्कूल के 2 छात्र हुए फेल और बने अपराधी। सर आपने शायद पूरा हेडलाइन नहीं सुना, स्कूल के 2 छात्र हुए फेल, अपने खरुस टीचर को दिया पेल और उन्हें हुई 4 साल का जेल। सर आपने आइडिया बहुत अच्छा दिया है। अरे बेटा तुम लोग, तुम्हें किसने बुलाया? तुम जाओ आराम से, जाओ आराम से, जाओ।